This segment is brought to you in partnership with National Highways and Motorway Police. गर्मी से बहुत डरता है, बीवी से इतना नहीं डरता, बल्कि सॉरी बीवियों से इतना नहीं डरता जितना गर्मी से डरता है। और ये ताया का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आप इजी रहें, जब कभी कोई मौसम अबरालूद हुआ, कोई बारिश बुरश हुई, ताया जरूर जनाब आपको आउटडोर की सैर कराएगा। लेकिन सबसे पहले ताया आज जो प्रोग्राम शुरू करने से बात करेगा, जो आज की अच्छी और खास बात है कि अभी चंद दिन कबल नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद किया था जी, जिसमें मीडिया की तकरीबन 30 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया उसमें, और सबसे जी 33 के करीब टीमों ने जनाब 39 जी हाजी 40 के करीब जी टीमों ने हिस्सा लिया था जनाब उसमें। और जो सबसे अच्छी बात है जी, इस टूर्नामेंट में बड़े कांटेदार मुकाबले हुए, बड़े बड़े अच्छे मैचेस हुए, और एटीवी की टीम अल्लाह के फजल व करम से ये मैच जीत गई जनाब। और इस मैच में जो बहुत सारी यहाँ पूरी टीम की कारकर्दगी होती है, पूरी टीम ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन इस मैच का जो जी फाइनल का जो मैन ऑफ द मैच था जी खुर्रम रियाज, जिसने 63 रन बनाए जनाब, उसका मैन ऑफ द मैच करार पाया। और इसमें हमारे एक और कैमरा मैन है जनाब नवीदुल इस्लाम, जिसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, विकेटें भी ली और रन भी बनाए, वो भी उसकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है। हमारे कैमरा मैन जी जीशान जनाब इस टूर्नामेंट में बेहतरीन ऑलराउंडर का एजाज उन्होंने हासिल किया, और हमारे और असिस्टेंट कैमरा मैन जनाब रहमत खान जनाब, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन सबसे ज्यादा और जो सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वो इस टीम के जो कैप्टन है जनाब अफजल भट्ट साहब जनाब, जो एटीवी के डायरेक्टर न्यूज हैं, और उन्होंने जो शब रोज टीम के साथ मेहनत की और वहां भी जनाब बहुत सारा टीम को अच्छे तरीके से खिलाया, और उस चीज के बहुत ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि एटीवी का हर फर्द ये मैच देखने गया था और ताया भी गया था, और ताया ने अपनी टीम का हौसला बड़ा बुलंद किया, बड़ा अच्छा मैच था, और बहुत जल्द ताया आपको ये मैच एटीवी पे दिखाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे अपनी जिंदगी के बारे में कि जिंदगी की कोई रिहर्सल नहीं होती, ये एक लाइव शो है, इसमें कोई रीटेक नहीं होता, कोई रिपीट नहीं होता, कोई रिवाइंड नहीं होता। सो इसलिए हमें जिंदगी का जो हर शॉट है बड़े अच्छे तरीके से उसको अदा करना चाहिए, और अदायगी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे तरीकों में यह है कि खासकर जब हम गाड़ी चला रहे हो तो हमें उस वक्त अपना बहुत ध्यान करना चाहिए। ये वक्त हुआ है मोटरवे पुलिस के नुमाइंदे जनाब SPO शाहिद साहब का, जो आज हमें SPO जनाब शाहिद साहब का जो जी इंस्पेक्टर साहब जनाब क्या देते हैं जनाब शाहिद साहब का जो आज हमें ट्रैफिक के बारे में मजीद आगाही देंगे जनाब, मैं उनको बताता हूँ, उनसे बात करते हैं जनाब। SPO साहब इंस्पेक्टर साहब जनाब शाहिद साहब तशरीफ लेकर आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे आप, खैरियत से हैं, तबीयत कैसी आपकी, ठीक है, आइए सर बैठे। ओके सर, ओके आप कैसे जनाब, ठीक है, खैरियत से हैं, सेहत तबीयत ठीक है जी, माशाल्लाह जनाब लोगों को आपकी बातें बहुत पसंद आ रही हैं, जो हमें SMS या टेलीफोन कॉल आते हैं, लोग इसको प्रोग्राम को जनाब हमारे को इस आगाही के जो रोड सेफ्टी के वादे से इसको लोग लाइक करें। तो आज क्या है हमारे इसमें रोड सेफ्टी के वादे से आज हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे आप? ताया जी बड़ी अच्छी बात है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, ये लोगों के अपने ही फायदे के लिए है जो कि हम उनको बता रहे हैं। ताजी वैसे तो हमने पिछले प्रोग्रामों में बताया था कि मोबाइल का सुनना इंतहाई खतरनाक है, फिर हमने सीट बेल्ट के बारे में जो बात जी हमने सबसे पहले लोगों को सीट बेल्ट के बारे में आगाही दी, फिर हमने मोबाइल फोन के बारे में बताया था, आज जो मैं आपको चीज बताऊंगा वो बड़ी ही अहमियत है उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोड सेफ्टी के बारे में। रोड सेफ्टी के हवाले से आज जो मैं बात बता रहा हूँ वो है ओवर स्पीड, तेज रफ्तारी जिसे हम कहते हैं, तेज रफ्तारी इंतहाई खतरनाक चीज है, इसको इसके बारे में तो हम सबको इतना डीपली सोचना चाहिए कि ये एक लम्हे की बात है, अगर आप गाड़ी अपनी लिमिट से तेज चला रहे हैं तो वो एक सेकंड में खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है आपका, इसलिए तेज रफ्तारी पे आप सबको बड़े ऐसे तरीके से अमल करना है। इंस्पेक्टर साहब अगर हम अपनी पिछले दो हफ्तों की बातें अगर इसके साथ लिंक करें कि जैसे आपने सीट बेल्ट के बारे में बात की और सफर के दौरान मोबाइल फोन सुनने की बात की,
और उसको अगर तेज रफ्तारी के साथ हम लिंक करें कि अगर फोन भी सुन रहे हैं, सीट बेल्ट भी नहीं बांधी हुई और तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे हैं, इसका अंजाम तो मेरा ख्याल में अच्छा तो नहीं है। उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें जो है ना इंतहाई खतरनाक है और आपके अपने ذاتی फायदे के लिए है। ओवर स्पीडिंग के बारे में हम कहते हैं कि मिस्टर लेट इज ऑलवेज बेटर देन लेट मिस्टर, कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो लेट पहुंच जाए तो कोई अर्ज नहीं है, कहीं आपका नाम लेट में ना शामिल हो जाए। मतलब इंतहाई खतरनाक चीज है। आप देखें ना, अगर एक आदमी की कहीं कहीं ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, वो सबसे अच्छी बात है। कि अगर आप खुद कहीं पे भाग रहे हैं अपनी स्पीड से, तो आपकी एक कैपेसिटी है, आपकी एक लिमिट है कि आप अगर अपनी स्पीड के साथ भाग रहे हैं, जब आप अपनी जितनी स्पीड है उससे ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे तो खुदा नखास्ता आपको ठोकर लग जाएगी, आप गिर जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह स्पीड जो है ना वो गाड़ी की, वो आपको स्पीड लिमिट के मुताबिक चलानी चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बाज़ लोग खासकर मोटरवे के ऊपर के ओवर स्पीड तेज रफ्तारी के साथ इस सेंस में, इस ख्याल से जा रहे होते हैं कि हम अपनी मंजिल मकसूद पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आप मुझे बताएं कि नॉर्मल सफर में अगर एक बंदा ओवर स्पीड के साथ जा रहा है तो कितना एक फर्क पड़ जाता है तेज रफ्तारी से उसके। ये आपने ताहिर जी बड़ी अच्छी बात कही है कि हमने एक मोटरवे पुलिस ने एक सर्वे किया था जी। दो गाड़ियां एक तरह की मोटरवे पुलिस के ड्राइवरों को दे दी गई थी, एक गाड़ी 120 की स्पीड पर चली थी और एक गाड़ी 130 की स्पीड पे। ताजी आप बिलीव करेंगे कि दोनों गाड़ियों के दरमियान सिर्फ 11 मिनट का फर्क पड़ा था। जो गाड़ी 130 पे थी वो 11 मिनट पहले पहुंची थी और जो 120 पे थी वो 11 मिनट बाद पहुंची थी। अब 11 मिनट के दौरान आपकी जिंदगी जो है ना वो हाई उस पे आ जाती है, टेंशन में आ जाती है कि आप अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, स्पीड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, मोटरवे पे चालान हो जाता है, लोगों के लिए परेशानी बनती है। मतलब इस 10-11 मिनट को हम बचाने के लिए अपनी जिंदगी नहीं बचा पाते, जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। और ताजी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं लोगों से भी ये बात कहूंगा कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी पे बैठ के ड्राइविंग के लिए जा रहे होते हैं, तो ये मत समझा कीजिए कि आप अकेले हैं। अगर खुदा ना खास्ता हादसे की सूरत में, आप ये जहन में रखिएगा कि हम वहां पे ताजी प्लस का सीधा इस्तेमाल करते हैं कि आप अकेले नहीं है, आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। आपकी बात काटूंगा, मैं एक कॉल ले लूं फिर बात को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, जी जी कौन साहब कहाँ से जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से जी? अख्तर सईद खान कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अख्तर साहब, क्या कहेंगे कि जो हमारे ये इंस्पेक्टर साहब जो हमें बता रहे हैं ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या? सर मैं इनकी बातें सुनकर, मैं ताया ऑनलाइन प्रोग्राम और शे टीवी के इंतजामिया का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मोटरवे और ट्रैफिक कानून के लिए हमारे इंस्पेक्टर साहब को दावत दी और आज वो आए और बड़ी अच्छी बातें वो बता रहे हैं और रोड सेफ्टी के बारे में, और खासकर जो बच्चे बैठे होते हैं मैं चाहता हूँ कि उसके लिए भी इंस्पेक्टर साहब बात करें। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है इनसे कि मोटरवे पर जो पब्लिक तो चल रही है उस मोटर व्हीकल रूल्स 1964A उसके तक मौसीकी बजाने पर पाबंदी है, लेकिन मोटरवे पर गाड़ियों में VCR और TV चल रहे हैं और उस पर फास्ट किस्म के रेडियो दिखाई जाती है, तो क्या मोटरवे वालों को आज तक मैंने उस पर कार्रवाई पे नहीं देखा और ये हादसे का सबब भी बनता है उससे, तो मैं इनसे ये सवाल है कि क्या वो इस पर कार्रवाई करेंगे, क्या इस तरफ तवज्जो देंगे? जी अख्तर साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। मोटरवे पुलिस जो ये गाड़ियों में VCR और जो इस किस्म के वीडियोस दिखा रहे होते हैं, मोटरवे पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है और ये पहले पहले होता था लेकिन अब बहुत कम देखा जाता है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं जी अख्तर साहब किस बात के बारे में? जी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, होनी चाहिए। ताया जी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो चीज आपकी ड्राइविंग को इंटरप्ट करती है, आपकी ड्राइविंग के दौरान खलल पैदा करती है, वो आपके लिए नुकसानदेह है, खा वो VCR है, खा वो टेलीफोन है, खा वो कोई भी चीज है, खा आपकी गुफ्तगू है, इसलिए इन तमाम चीजों को आपको बंद कर देना चाहिए। फिर मैं आपको वो बात बता रहा हूं। सर एक काम और ले जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से जी? सर मैं खिजर हयात खान बात कर रहा हूँ जी। खिजर साहब क्या कहेंगे, गाड़ी तेज रफ्तारी से चलानी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, तेज रफ्तारी से नहीं चलानी चाहिए, बल्कि इन्होंने ऐसे सेमिनार मुनक्कद करने चाहिए जी, तो लोगों का शोर बेदार करें जी। थैंक यू खिजर साहब, बहुत मेहरबानी।
फिजर साहब कह रहे हैं कि जी हमें मजीद लोगों में ये आगाही और ये शऊर बेदार करना चाहिए कि ये तेज रफ्तारी के खिलाफ। जी ताजी, ये देखे ना, आपके प्रोग्राम की वजह से वसातत से हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। इसी तरह ताजी इसमें लोगों को भी चाहिए कि वो भी जो बात हम कहें उस पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि वो खुद से जब इस चीज पे अमल करेंगे तो तमाम चीजें ठीक हो सकती हैं। उसमें बच्चों के हवाले से जो उन्होंने बात की, जो पहले आपके कॉल आई, तो बच्चों के हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जब ड्राइविंग करते हैं, आपके साथ आपके बच्चे बैठे होते हैं, तो प्लीज आप खुद भी अपने बच्चों को अवेयरनेस दिया करें ड्राइविंग के हवाले से। आप जब कोई गलत काम या गलत सिग्नल या गलत चीज नहीं करेंगे तो कल बड़े होके बच्चे भी आपके गलत चीज नहीं करेंगे। जी मैं कॉल हो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से जी? जी आदिल बोल रहा हूँ, पेशावर से। जी आदिल साहब, क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया है जी ट्रैफिक कानून के लिहाज से, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे आजकल जो पुलिस हजरात हैं और आजकल रोड पे काफी ज्यादा दिखाई देते हैं जी, लेकिन जो स्टाइल उनकी गाड़ी चलाने का है उनमें काफी कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है जी। तो अगर उनके लिए कोई अलग कानून नहीं बना तो फिर उन्हें इस तरह गाड़ी चलाना ये बहुत नामुनासिब बात है कि लोगों को धक्के देकर और उनको इशारे करके कि रास्ते से हट जाएं और बिला वजह लोगों को तंग करना और स्पीकर का इस्तेमाल करना। तो काइंडली इसके बारे में आप जरूर कुछ जी आदिल साहब, मैं क्यों हो रहा है आदिल साहब, मैं जरूर अपने इंस्पेक्टर साहब से पूछूंगा। लेकिन ये जो गाड़ियों में पुलिस वालों ने स्पीकर लगा के लोगों को इत्तला दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि गाड़ियां हटा दें, तो हम लोगों की अपनी भी कोताहियां गलतियां होती हैं कि गाड़ियां सड़कों में खड़ी कर देते हैं। कोई अगर कोई आके, कोई पुलिस इंस्पेक्टर प्यार से अगर आके कहता है तो हम लोग भी नहीं सुनते। आदिल साहब मैं माफ़त से कहूंगा, इसलिए उन्होंने स्पीकर लगाए होते हैं, बुलंद आवाज में कह रहे होते हैं कि गाड़ी का नंबर पुकार रहे होते हैं कि आप ये गाड़ी रोड से हटा दे ताकि रास्ता खुल जाए। आदिल साहब आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आइंदा भी आपकी कॉल का इंतजार रहेगा जी। मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं सिर्फ कि मोटरवे पे गाड़ियों की स्पीड लिमिट क्या है? ताजी मोटरवे पे गाड़ियों की स्पीड लिमिट है 120 जी, 120 की स्पीड से आप जा सकते हैं मोटरवे पे। आपको इससे ज्यादा किसी भी सूरत में उस पर ड्राइव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोटरवे जब डिजाइन होता है, बनता है, सड़कें बनती है, तो इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट शामिल होते हैं, तो वो उसके मुताबिक रोड को प्लान करते हैं। जब आप उसके मुताबिक गाड़ी नहीं चलाएंगे जो एक लिमिट दी गई है, तो ताजी आपके लिए हादसात का बाइस बनेगी। उसमें फिर वही आपको छोटी बात बताऊंगा कि आप अकेले शामिल नहीं है, उसमें आपकी पूरी फैमिली शामिल है। अगर आपको कोई हादसा पेश आ जाता है तो आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, वो तमाम खानदान मुतासिर होता है। तो आप प्लीज, आप लोग अपना इस बात का जरूर ख्याल रखा करें कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अकेले नहीं है, आपकी पूरी फैमिली है, उन सारों को मद्देनजर रख के तो प्लीज इसकी मोटरवे की कानून की पाबंदी जरूर किया कीजिए। मैं एक कॉल और दे दूं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे? जी कौन साहब, कहाँ से बोल रहे जी? मैं इमारात से अबू धाबी से बात कर रहा हूँ। जी जी, कौन साहब, क्या नाम जी आपका? मेरा नाम अकरम है जी। क्या कहेंगे आप, ये आपकी दुबई में भी ऐसी तेज रफ्तारी के साथ गाड़ियां चलती हैं? वहां तो बहुत तेज रफ्तारी से चलती है। अब रोजाना दिखता है तुम्हारा प्रोग्राम, लागन देखते हैं तुम्हारा पगड़ी, तुम्हारा अंदाज हम देखते हैं, बहुत खुश होता है। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अरे इंस्पेक्टर साहब से पूछते हैं हम लोग जी, ये इमारात का जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस जी, वो पाकिस्तान में अलाउड है या नहीं? ये पूछ रहे हैं कि ये इमारात के जो कानून है जी। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। कि ये पाकिस्तान में ये कानून लागू है या नहीं है? असल में ताजी अरब इमारात में जो है ना, ड्राइविंग लेफ्ट हैंड, हमारे ड्राइविंग है राइट हैंड। चूंकि उनके और हमारे, उनके ड्राइविंग में लेफ्ट और राइट का फर्क है, इसलिए वहां के जो लाइसेंस है वो इसलिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्योंकि वो लोग वहां पे यूज टू होते हैं, इसलिए वो लाइसेंस हमारे यहाँ जो है ना, वो नहीं लोग गाड़ी चला सकते जो वहां से लाइसेंस याफ्ता है। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ जनाब कि आपने आज इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। पूछने को तो मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन हम इंशाल्लाह बाकी सवाल आपसे कल भी पूछेंगे, आप हमारे प्रोग्राम में आते रहेंगे। अभी इस वक्त हमारी छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बाकी अपने प्रोग्राम पे जाएंगे जी। छोटी सी ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे अपने प्रोग्राम की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। एक छोटी सी ब्रेक जी। This segment was brought to you in partnership with National Highways and Motorway Police.